सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। अमृतसर के अस्पताल में कोरोना वायरस को लेकर किस तरह की तैयारी है, इसका निरीक्षण करने पहुंचे अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला। ऐसे में MH1 प्राइम के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की और उनके निरीक्षण के दौरान कुछ सवाल किए। बात करेंगे हमारे साथ सांसद गुरजीत सिंह औजला बात करने के लिए। जी औजला साहब, क्या कहेंगे जिस तरह से आपने एक एम्बुलेंस जो 20 लाख रुपए की राशि से तैयार हुई थी, वो पूरा वेंटिलेटर उसमें तैयार है, तो क्या कहेंगे जिस तरह से वो इस तरह खस्ता हालत में खड़ी है? जो ये काम कर रहे हैं सिविल सर्जन साहब, इनके जितनी भी टीम है, मैं इनको सबको शाबाश देता हूँ, सल्यूट करता हूँ इस बात का कि कोविड-19 के जंग में ये लोग आगे आकर काम कर रहे हैं। और जो 42 टीम इन्होंने बनाई थी, जिन्होंने स्क्रीनिंग की है, उन सबको इस बात का मैं तारीफ करता हूं कि वो उन्होंने देश के लिए, हमारे अमृतसर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये गाड़ी आपकी जो MP लैड की 2 साल पहले दी हुई है, वो खड़ी है, तो ये बड़ी बुरी बात है। लेकिन जब आकर देखा तो वो जो N95 मास्क की खबर है, वैसी खबर ये बन जाएगी, क्योंकि ड्राइवर नहीं है, तो ड्राइवर के लिए बार बार एक दूसरे दफ्तर को लिख रहे हैं, बोला मेरे को चिट्ठी नहीं मिल रही, कोई बोला मैं दे रहा हूँ, तो ये इनकी मिसमैनेजमेंट है। ये मिसमैनेजमेंट नहीं होनी चाहिए थी। मीडिया के माध्यम से ये कहता हूँ कि ये गलती तो बहुत बड़ी है, क्योंकि ये लोगों का पैसा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जब भी ऐसी कोई चीज़ हम देते हैं तो पहले लिख के लेते हैं कि आप इसको चलाएंगे, आप इसका खर्चा आपके ऊपर होगा, लेकर हम देंगे। लेकिन अब ये खड़ी है तो ये गलत बात है। 20 लाख का करीब ये फुली इक्विप्टेड एम्बुलेंस है। लेकिन मैं इस बात को अब यहाँ छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि कोविड-19 की लड़ाई में यही डॉक्टर साहब लोग काम कर रहे हैं, गलती हो जाती है कई बार। तो अब इनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप इसको रख के, ड्राइवर इसको जल्दी चालू करो, 108 पे तभी जाओ जब आपके पास एम्बुलेंस नहीं है। पहले अपनी एम्बुलेंस यूज़ करो, अपनी यूज़ क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए अब इनसे बात हुई, माने तो है कि अब इसको हम इसको चालू। कब से ये जो एम्बुलेंस है, कब से चलाई जाएगी? इसी दिन इन्होंने बोला कल से ही कर देंगे, ज़्यादा नहीं तो परसों से हो जाएगी, कोई इनका कोई ऑफिशियली काम होगा, क्योंकि आउटसोर्स करना पड़ेगा ड्राइवर इनको। बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ औजला जी, जो हमसे बात कर रहे थे। आने वाले समय में डॉक्टरों को और सिविल जो मेडिकल स्टाफ है, उनको और संजीदा होना पड़ेगा इस कोरोना वायरस की महामारी से। वीडियो जर्नलिस्ट साहिल के साथ ध्यानचंद, MH1 प्राइम, अमृतसर।